वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर सेवन द नेकलेस के फर्स्ट सेंटेंस है द स्टोरी नेकलेस हैज बीन रिटर्न बाय ये कहानी लिखी गई है गाय डी माउ पेसेंट के द्वारा स्टूडेंट्स आई होप कि मेरी इस वीडियोस के द्वारा आप लोगों को अपने सिलेबस को याद करने में बहुत ही आसानी हो रही होगी इस वीडियो में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं इस लेसन से रिलेटेड और एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इन्हें याद कर रहे हैं गाय डी माउ पेसेंट वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ फ्रांस नंबर थर्ड सेंटेंस है हु वॉज मटिल्डा मटिल्डा एक प्रिटी यंग लेडी थी नंबर फोर्थ इज मटिल्डा वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क्स स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना कमेंट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नंबर फिफ्थ सेंटेंस है शी मैरिड टू अ पैटी क्लर्क शी यहाँ पर रिलेटेड है मटिल्डा से नंबर सिक्स सेंटेंस है मटिल्डा लव्ड ओनली मार्वलस डिशेस नाइस फोक्स एंड ज्वेल्स मटिल्डा को केवल बहुत सुंदर चीजें शानदार चीजों का शौक था नंबर सेवन इज वन डे मिस्टर लाइजल हर हर प्रिंटेड कार्ड मिस्टर लाइजल मटिल्डा के हस्बैंड हैं। इन दोनों को मिस्टर एंड मिसेज लाइजल भी कहा गया है तो मिस्टर लाइजल ने एक दिन उसे क्या ला कर दिया था प्रिंटेड कार्ड नंबर एट सेंटेंस इज हाउ मच मनी लाइजल फोर हंड्रेड फ्रेंक्स मिस्टर लाइजल के पास अपने फोर हंड्रेड फ्रेंक्स थे जिसे वो मटिल्डा को ड्रेस खरीदने के लिए दे देते है नंबर नाइन सेंटेंस इज वॉट डेड ही वॉन्ट टू बाय विद फोर हंड्रेड फ्रेंक्स आंसर है अ गन फॉर हिज हंटिंग पार्टीज नंबर टेन इज हु फॉर येस्टर आंसर है अ रिच फ्रेंड ऑफ मटिल्डा नेक्स्ट इज नंबर इलेवन वॉट डिड मटिल्डा टेक टू वियर फ्रॉम हर फ्रेंड फॉर द बॉल पार्टी मटिल्डा ने बॉल पार्टी में पहनने के लिए अपनी फ्रेंड से क्या लिया था आंसर है अ डायमंड नेकलेस एंड नेक्स्ट इज नंबर ट्वेल्व लाइजल लुक्ड डैश एट बॉल तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखा जाएगा अ वेरी प्रिटी एलिगेंट एंड ग्रेसफुल नंबर थर्टीन इज ऑल द मैन एट द बॉल र एंड वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूज बॉल पार्टी में सभी लोग चाहते थे मटिल्डा से इंट्रोड्यूस होना नंबर फोर्टीन है वेन मिसेज लाइजल वॉन्टेड टू हैव फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी इन द मिर सडनली शी अटर्ड अ क्राई जब मिसेज लाइजल घर वापस आकर एक बार और अपने आप को शीशे में देखकर खुश होना चाहती थी तो अचानक उनके मुंह से एक चिल्लाने की आवाज आई क्यों बिकॉज द नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक क्योंकि उनके गले में नेकलेस नहीं था नंबर फिफ्टीन इज इन अ शॉप दे फाउंड दैट अ सिमिलर डायमंड नेकलेस वॉज वैल्यूड एट फोर्टी थाउजेंड फ्रेंस नंबर सिक्सटीन इज हाउ मैनी फ्रेंस डिड मिस्टर लाइजल एटीन थाउजेंड फ्रेंस मिस्टर लाइजल के पास अट्ठारह हजार फ्रेंस थे जो उनको अपने पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति के रूप में मिले थे नेक्स्ट इज नंबर सेवेंटीन हाउ मच मनी डिड ही बोरोन थाउजेंड फ्रेंक्स एटीन नंबर पर है हाउ मच मनी डिड ही डिपोजिटेड टू द शॉप थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रेंक्स एंड नंबर नाइनटीन सेंटेंस है हाउ मैनीयर्स डिड दे पे ऑल देयर डेप्स कितने वर्षों में उन्होंने अपना कर्जा चुकाया था एट द एंड ऑफ टेन इश सालों के अंत तक उन्होंने अपना कर्जा चुकाया नंबर ट्वेंटी इज वन डे वेन मैडम फॉर एस्टर मैट मटिल्डा शी डिड नॉट रिकोगनाइज हर फ्रेंड मटिल्डा नंबर ट्वेंटी वन है मैडम फॉर शोड सिंपे स्टूडेंट्स हम एक वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड लगभग फोर्टी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं जिससे आपको इतनी हेल्प जरूर होगी की इस लेसन से रिलेटेड कोई भी बात आप मिस नहीं करेंगे और एग्जाम में डेफिनेटली फुल मार्क्स गेट कर सकते हैं नंबर ट्वेंटी टू इज इन द एंड मैडम फॉर येस्टर रिप्लाइड दैट ओ माई पुअर मटिलडा माई नेकलैस वॉज फॉल्स नंबर ट्वेंटी थ्री इज हाउ मच वर्थ वर द टोल्ड बाय मैडम फॉरएस्टर इन द एंड एंड में मैडम फॉर ने उनके नकली वाले डायमंड सेट की कितनी कीमत बताई थी द डायमंड्स वर नॉट वर्थ ओवर फाइव हंड्रेड फ्रैंक्स वो नकली डायमंड का जो सेट था वो पांच सौ फ्रेंक से ज्यादा का नहीं था नंबर ट्वेंटी फोर सेंटेंस है हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी द नेकलेस आंसर इज मैडम लाइजल नेक्स्ट नंबर ट्वेंटी फाइव इज इज़ अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन मटिल्डा के जो हस्बैंड थे मिस्टर लाइजल जिन्हें यहाँ कहा गया है मॉन्स्यल वो कौन थे वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क थे नंबर ट्वेंटी सिक्स है she had a rich friend a school mate at the convent number 27 sentence hai mr and mrs lizel were invited to the evening on 18th january you can wear some natural flowers ye line Matilda के हस्बैंड ने उसे कहा था कि तुम इस ड्रेस के साथ कोई नेचुरल फूलों का हार भी बनाकर पहन सकती हो मटिल्डाज हजबेंड वॉज अ पैटी क्लर्क फॉर वॉट हैड लाइजल सेव्ड फोर हंड्रेड फ्रेंक्स टू बाय अ गन लाइजल ने चार सौ फ्रेंक किस लिए बचा कर रखे थे गन खरीदने के लिए सेंटेंस है मिस लाइजल वैन टू मैडम फॉर येस्टर टू बोरो अ नेकलेस मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहेपी

नो, नंबर हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर टू बाय द नेकलेस आंसर इज थर्टी थाउजेंड टोटल थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रेंक्स में उन्हें वो असली हीरो का हार शॉप से मिल गया था नंबर थर्टी सेवन है हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे टेन ईयर्स अपना कर्जा चुकाने में उन्हें दस वर्ष लग गए थे नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस गाय डी माउपेंट नंबर थर्टी नाइन इज मटिल्ड्र वॉज बोर्न इंटू अ फैमिली ऑफ क्लर्स ये यहाँ ब्लैंक स्पेस की तरह दिया गया है और फिर हमने यहां इसका आंसर भी लिख दिया क्लर्कस एंड द लास्ट सेंटेंस इज हाउ डिड मिस्टर लाइजल एक्सपेक्ट हर टू रिएक्ट ऑन हैंडलिंग हर द लेटर इनविटेशन लेटर को देते समय मिस्टर लाइजल ने अपनी पत्नी से कैसा रिएक्ट करने की उम्मीद की थी वो सोच रहे थे कि शायद लेटर देने पर उसकी पत्नी खुश हो जाएगी तो यहां आंसर लिखेंगे हैप्पी स्टूडेंट्स आई होप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और यदि नहीं किया है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच